नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज हम शिमला की सब्जी मार्केट में घूमेंगे। ये शुरू होती है बिल्कुल, ये मार्केट आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, ये शुरू होता है जी, इसको बोलते हैं पीछे लोअर शिमला, लोअर मार्केट शिमला। और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है आपका। अगर आप मॉल की तरफ जाओगे तो आपके राइट हैंड साइड पर आएगा सब्जी मार्केट। सर ये सब्जी मार्केट है ये? हाँ, बस यहाँ से शुरू हो गए आपकी सब्जी मार्केट। अच्छा, वैसे बाजार का नाम क्या है? बाजार आगे को है। आज तो संडे है ना, इसका नाम ये सब्जी मंडी। सब्जी मंडी बोलते हैं। अच्छा, ये लोअर बाजार, फिर मार रोड। हाँ, वो तो समझ गए। यहाँ से नीचे मीट मार्केट। ओह अच्छा, फिर आएगा कार्ट रोड हाईवे। धन्यवाद। ऑलराइट, तो ये है जी सब्जी मंडी और इसके नीचे आएगा मीट मार्केट। ठीक है, अगर पास में होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर सब्जी मंडी में सबसे मतलब आपको यहाँ पर वेजिटेबल फ्रूट्स दोनों मिलेंगे। और इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रूट्स। यहाँ पर जी कश्मीरी मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है जी। और क्या बाशिश हो? ये नहीं हमारे समझ में आता है, अल्लाह का शुक्र करते हैं, सब तारीफ अल्लाह की जी। चलो सब अल्लाह से अच्छे हैं। चलो सब खैरियत है? खैरियत है भाई, शुक्र है। अच्छा, और भाई तो यहाँ से बढ़ता हूँ मैं आगे दोस्तों। और कुछ इस प्रकार के आपको मतलब साइड पर लगे होंगे, कुछ प्रॉपर इस तरीके से भी मिल जाएंगे। ही वॉज सेइंग समथिंग इन कश्मीरी, आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज आई जस्ट लर्न टू वर्ड्स। गारिश वारे का मतलब ये होता है कि घर में सब ठीक है, बारे का मतलब सब ठीक है, बातचीत के उनका मतलब होता है कि बात वात करके खाना वाना खाया, दैट्स इट। एंड ही वाज सेइंग समथिंग इन कश्मीरी, आई कुड अंडरस्टैंड। कोई कश्मीरी मेरा भाई होगा तो ज़रूर ट्रांसलेट तर्जमा करके बताएं। सो वेल, कंटिन्यू करते हैं जी अपनी सब्ज़ी मार्केट शिमला की। ओके, तो यहाँ से नीचे की तरफ रास्ता जाता है। ये नीचे रास्ता कहाँ गया भाईजान? नीचे गया रोड के। मेन मार्केट कहाँ है? अच्छा, यही है। ओके दोस्तों, तो मेन मार्केट की जो रास्ता है ना वो भी ये है, बट आई वॉन्ट टेक यू देयर राइट नाउ। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले हम कवर करते हैं सब्जी मार्केट। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये, बट जितनी भी है वुड लाइक टू शो यू दैट। तो यहाँ पर आपको देखा सस्ता मिल जाएगा। कश्मीरी लोग बड़े हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे। और दोस्तों, अगर आप मेरे पिछले शिमला के जो 1.0 है अगर आप वो देखोगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ की। तो इसलिए मैं वेल सिर्फ आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर भाई साहब आपको सब्ज़ियाँ मिलेंगी। यहाँ से फिर ऊपर जाएगा रास्ता तो ये जाकर मिलेगा लोअर बाज़ार में। वो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सब्ज़ी मार्केट को जाता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाऊँगा। बट इस वीडियो में मैंने अपनी पिछली वीडियो में ना मैंने मीट मार्केट कवर नहीं किया था, तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ये सब्जी वाली मार्केट दिखाकर आई वुड लाइक टू कवर दैट मीट मार्केट। तो आई वोंट गो एनी फर्दर, सिर्फ यहाँ से दिखाकर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ अपने साथ। यहाँ से मैं पीछे मुड़ूंगा क्योंकि बिफोर इट्स तो इससे पहले कि अंधेरा हो तो मैं आपको वहाँ की मार्केट दिखा देना चाहता हूँ। हालांकि रोशनी डेफिनेटली उन्होंने की होगी, लेकिन दिन में थोड़ा सा रोशनी में जाता है कि थोड़ा नेचुरल रोशनी में ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर लोग मोस्टली ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। तो ये है सब्ज़ी मंडी, ये लोअर बाज़ार के बिल्कुल नीचे की तरफ है। उस वाले एरिया को मैं कवर करता हूँ क्योंकि ये वाला मैंने सामने वाला किया था। तो यहाँ पर आप बल्क में भी उठा सकते हो सामान अगर यू वांट टू बाय फॉर शादी ब्याह फंक्शन।
से निकलता हूँ दोस्तों मैं। ओके तो मैं अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों नीचे की तरफ नहीं गया था, तो आज क्या करेंगे हम इस वीडियो में, नीचे की तरफ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे नीचे की तरफ क्या है बने मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ जाते हुए दोस्तों यहाँ पर हमने कहा कि मीट मार्केट अभी आएगी नेक्स्ट सी डेट, अभी उससे पहले मेरे को यहाँ पर ये कुछ सब्जी वाला ही सिस्टम दिख रहा है। ये छोटा सा ढाबा है खाने वाने के लिए और न्यू लाइट एंड साउंड इंदिरा डायरी। यहाँ पर तेल वेल दिख रहा है जी, दूध और तेल ज़्यादातर। उस तरफ ये कुछ खाने पीने का है, इस तरफ भी अंदर की ओर कुछ खाने पीने का है। ओके तो मीट मार्केट काफ़ी अच्छी फैंसी है यहाँ पे जी, इट्स नॉट समथिंग लाइक वेरी स्मेली जिधर आपको ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी कटे हुए मुर्गे हैं और इवन यू कैन गेट दी एग्स, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये स्टोर्स हैं चिकन विकन वाले। अगर आप मतलब मैं अपने इलाके की बात करूँ तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ताज़ा ताज़ा मुर्गा लेकर उसी समय काटते हैं, उसके बाद साफ़ करके फिर आपको देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मतलब फिलहाल तो मुझे दो दुकानें मिली, लेकिन इफ़ यू नो इफ़ यू हियर अ वर्ड मीट मार्केट तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर मोस्टली दुकानें जो हैं वो मीट की ही होंगी साथ 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 साथ। बट यहाँ पर वैसे पहुँचा मैं, यहाँ पर लाइव काटा जा रहा है बकरा वगैरह। सो दिस इज़ द मटन शॉप आई थिंक, चिकन की आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, तो चिकन की आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी साथ साथ यहाँ पर। और इस तरफ यहाँ पर भी झटका और हलाल का सीन है दोस्तों। सिवल मुझे लगता है कि अंदर की तरफ चलते जाऊँ तो आपको अलग अलग है ये की शॉप है। ओके आई थिंक यू कैन गो इनसाइड, मेरे ख्याल से ऑल राइट तो यू कैन गो इनसाइड एंड बाय समथिंग। ऐसा करता हूँ अंदर चलता हूँ। तो यू आर गोइंग टू गेट दी पोर्क ऑल्सो एंड मटन लाइक लैम एंड मेरे पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने ये वाला एरिया कवर नहीं किया था। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर भी वो झटके और हलाल वाला सीन है, मुस्कार जी चीता को, तो यहाँ पर भी झटके और हलाल वाला। ओके तो यहाँ से फिर जब आप जाओगे हंडी में थे यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा ये डी लेखी ढाबा, फिल्टर पर रास्ता जाता हुआ है और मैं मशोर गेट दोस्तों। तो ये है जी प्रॉपर मीट मार्केट, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों एक झटका और हलाल शायद दोनों मिल जाएगा, मैं बताता हूँ जी इस तरह। यहाँ पर आपको फिश वगैरह मिल जाएगा एंड चिकन एज वेल, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको खाने के लिए भी सामान मिल जाएगा। पीपल आर बाइंग द स्टफ एंड यू कैन ड्रिंक हियर, आई डोंट नो इफ दिस इज सॉर्ट ऑफ अहाता, अहाता इज़ द टर्म वेयर यू कैन ब्रिंग योर ओन लिकर विद यू एंड यू कैन ड्रिंक। और नीचे फिर जब आप जाओगे तो नीचे रास्ता जाएगा जी आपका, क्या कहते हैं मेन रोड की ओर, और शायद ये नीचे कार्टर स्क्वाटर कार्टर रोड ऐसा मैंने सुना, मिलता है सामने की तरफ आपने ज़्यादा देखो उस तरफ
लिफ्ट है, ये जो मेन रोड है जो ओवर स्टैंड की तरफ जाता है, और ये नीचे वाला शायद काटा रोड है। हालांकि नीचे भी एक शॉप है, ये सामने आप स्टोर देखो ये सामने, और ये है हलाल मिर्च शॉप। तो यहाँ पर आपको दोनों किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर हलाल और झटके का कोई सीन नहीं है एज आई मेंशन, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का परहेज करते हैं तो आपको भाई साहब यहाँ पर हलाल भी मिलेगा और झटका भी मिलेगा। वेल, ये थी हमारी मीट मार्केट वगैरह सब कुछ। सामने की तरफ अगर आप देखो तो ये लॉन्च है कहीं, और वेलकम टू तिब्बतन मार्केट। ये तिब्बतन मार्केट का छत है, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, तिब्बतन मार्केट का छत है। और तो दोस्तों ये है जी सारा सिस्टम यहाँ का, मीट मार्केट और सब कुछ। तो इस तरफ से मतलब नीचे को जाने के जो रास्ता है ना दोस्तों, वो यही हो जो उस तरफ अगर आप जाओगे तो उस तरफ आपको छोटा सा ऐसे कुछ मेरे ख्याल में जैसे टीस्टॉल है या क्या है रास्ता है, अरुण उधर से भी रास्ता है कहीं चले, वहाँ से भी रास्ता है कुछ जाने का। मैं तो बस घूम रहा हूँ कहीं भी। अच्छा यही अच्छा। और तो रास्ता तो खैर वहाँ से नहीं था, आई थॉट कि शायद छोटे मोटे रास्ते, क्योंकि पहाड़ों में तो छोटे मोटे रास्ते आपको काफ़ी मिल जाएंगे दोस्तों। तो वेल दोस्तों, ये था शिमला का मीट मार्केट, प्रॉपर जो मीट मार्केट है यहाँ पर। हालांकि इतनी वैसी कोई मतलब क्या बोलते हैं बुद्धू तो नहीं है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एरिया में तो पूरा से एकदम कटकटा के सामने पूरा रखते हैं, काफ़ी हाइजीनिक है यहाँ पर। आई मीन यू कैन थिंक टू बाय समथिंग, ऐसी कोई भी किसी प्रकार की आपको यहाँ पर समस्या नहीं होगी। आप यहाँ पर आ सकते हैं, हाइजीनिक आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ठंडा इलाका है तो मक्खियों का कोई यहाँ पर ऐसा सिस्टम ही नहीं है। सो वेल, फिलहाल दोस्तों मैं आपसे इस समय इजाज़त चाहता हूँ, फिर से मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।